Good morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different groups who participated in the civil disobedience movement and by which aspirations they took the participation in the movement, ki kis prakar unhone bhagidari li, kya unki soch thi, kya chahte the us andolan ke baad wo. Fir humne uske bare mein different groups ke bare mein jab padha to humne usme padha tha the peasant और द फार्मर्स, रिच फार्मर्स. रिच फार्मर्स में हमने पढ़ा था पाटीदार ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. दे वर ग्रोइंग कॉमर्शियल क्रॉप्स एंड दे वांट द रिमिटेशन ऑफ द रेवेन्यू. वो चाहते थे उनके ऊपर से टैक्स सरकार चार्ज करती है वो कम हो जाए. देन आफ्टर द पुअर पीजेंट्स हु वर डूइंग एग्रीकल्चर ऑन रेंट्स, उनको तो बड़े जमींदार और जो लैंडलॉर्ड थे उनसे जमीन किराए पर मिलती थी तो चाहते थे उनका जो किराया है वो माफ हो जाए. अब उसके बाद तीसरे थे हमारे पास बिजनेस क्लास, जो व्यापारी वर्ग था वो चाहता था कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा आसान हो जाए, बाहर से इंपोर्ट ज्यादा आ रहा उसके ऊपर रोक लग जाए और हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़े और हमारा व्यापार बढ़े. अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्कर. बिजनेस क्लास के बाद इंडस्ट्रियल वर्कर्स. अब अगर इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो कोई ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तरफ से इस आंदोलन के दौरान, छोड़कर एक रीजन ऐसा था नागपुर महाराष्ट्र में जहां रिस्पॉन्स मिला. इसमें वर्कर्स का रिस्पॉन्स न मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस वाज एलिनेटेड फ्रॉम द वर्कर्स. दे नेवर रेज द डिमांड ऑफ द वर्कर्स बिकॉज दे डोंट वांट टू सेपरेट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल क्लास बिकॉज दे वर गेटिंग द मनी फॉर द मूवमेंट. जो आंदोलन चले उसके लिए पैसा मिल रहा था उनको, तो वो नहीं चाहते थे कि इनकी मांग उठाएं तो इंडस्ट्रीज नाराज हो जाए. तो इनकी मांग को कभी भी नहीं उठाया गया था कांग्रेस के द्वारा, इसलिए वर्कर्स ज्यादा इस पार्टिसिपेशन में, इस आंदोलन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे. एक नागपुर वाले रीजन को छोड़कर, नागपुर वाले रीजन में फिर भी इसका इनका सहयोग किया गया. हालांकि सहयोग किया गया कहीं ना कहीं उसमें वर्कर्स क्लास है उसने किस प्रकार सहयोग किया अपनी सोच के साथ कि ये आंदोलन चल रहा है इसमें क्यों ना हम भी अपनी भूमिका निभाएं. और किस लिए किया गया कि दे अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ स्वराज. स्वराज के विचार को उन्होंने किस प्रकार माना, अगेंस्ट लोअर वेजेस एंड गुड वर्किंग कंडीशंस, कि हमें जो अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले और हमारी जो मजदूरी है वो बढ़ा दी जाए, जो उनकी पुअर वर्किंग कंडीशन है उनमें सुधार किया जाए और लोअर वेजेस हैं जो वो उनको हाइक बढ़ा दिया जाए. तो इसके लिए इन्होंने जो वर्कर्स थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया. इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि पार्टिसिपेशन किस प्रकार हमें पता चलता है कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो ये 1930 का जो हमारा सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट था, इसी दौरान पहले तो छोटा नागपुर रीजन जो हमारा मिनरल रिसोर्स के लिए सबसे बड़ा सेंटर है भारत में, छोटा नागपुर रीजन, वहां जो माइंस में काम करने वाले वर्कर्स थे, जो खदानों में काम करने वाले, उन्होंने स्ट्राइक की. और उन्होंने किस प्रकार स्ट्राइक की, दे इवन वोर गांधी कैप. गांधी कैप आप एक्चुअल में देखो गांधी जी बहुत कम आपको ऐसा दिखाई देगा उनके सर पर कोई टोपी हो, लेकिन जो नेहरू जी पहनते थे उसी को गांधी कैप का नाम दिया गया, यानी इस प्रकार की कैप पहनकर उन्होंने विरोध दर्शाया. उसके साथ साथ रेलवे के अंदर जो वर्कर्स थे उन्होंने 1930 में स्ट्राइक की. उसके साथ साथ डॉकयार्ड, ये क्या है कि जहां से हमारे यहाँ पोर्ट से लोडिंग अनलोडिंग होती है, जहां हमारे यहाँ पानी के जहाज हैं व्यापार के लिए, जहां सामान वगैरह लोड अनलोड होता है, वहां जो वर्कर थे उन्होंने भी 1932 में स्ट्राइक की. तो इसे साबित होता है वर्कर क्लास ने भी स्ट्राइक तो की थी, लेकिन ज्यादा हमारे पास जैसा रिस्पॉन्स होना था वैसा रिस्पॉन्स नहीं था. उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस ने कभी भी वर्कर्स की डिमांड को आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि वो नहीं चाहते इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाए. तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन इनकी मुख्य मांगे क्या थी कि वर्किंग आवर्स वो सही हो, वेजेज ज्यादा मिले इनको. अब उसके बाद इसमें दूसरा जो हमारे पार्टिसिपेशन क्या होती, वुमेन, महिलाएं. पहली बार सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट के दौरान बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेटेड, महिलाओं ने भागीदारी ली, उन्होंने हर प्रकार का सहयोग किया. इवन फ्रॉम बायकॉट द फॉरेन गुड्स टू पिक्टेड द लीकर शॉप्स एंड टू प्रोटेस्ट, या जहां धरने प्रदर्शन करने हैं, जहां बायकॉट करना है विदेशी वस्तुओं का, जब बोन फायर में जो हमारे पास फॉरेन क्लोथ्स उनको जलाना है या फिर लीकर की शॉप उनको रोकना है, तो इन सब चीजों में पार्टिसिपेट किया इन्होंने. और दे इवन मार्च विद गांधी जी, यहां तक कि गांधी जी का द्वारा उसके साथ साथ इन्होंने उसके अंदर भी सॉल्ट मार्च में भागीदारी की. लेकिन उसके बावजूद दे डिडंट गेट एनी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन कांग्रेस, कभी इनको ज्यादा बड़ा पद या पोजिशन नहीं दी गई. इसमें महिलाएं जो पार्टिसिपेट करने वाली ज्यादातर कौन सी थी, इन अर्बन एरियाज दे आर फ्रॉम द रिच हाउस होल्ड्स, जो अमीर परिवार थे उनसे, और गांव में किसान वर्ग से जो महिलाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया. लेकिन गांधी जी खुद मानते थे दे आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड हर्थ. हर्थ वर्ड देर का चूल्हा, जो हम कच्चे चूल्हे के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यों घर की देखभाल करें. दे
should be good wives and mothers, कि वो अच्छी पत्नी की भूमिका निभाए, अच्छी माता की भूमिका निभाए घर में। इसलिए कांग्रेस ने केवल देर सिंबोलिक प्रेजेंस वाज देर, कांग्रेस में सिंबोलिक प्रेजेंस, सांकेतिक तौर पर एक महिला को शामिल किया गया, कभी भी किसी बड़े पद को उनको नहीं दिया गया। तो इस प्रकार महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था कि इन द सोशल लाइफ दे आर गोइंग टू गेट सम बेनिफिट्स, उनको भी सामाजिक जीवन में और भूमिकाएं अच्छी मिलेंगी, इवन इन द पॉलिटिकल लाइफ, याद है कि राजनीतिक करियर में अच्छी भूमिकाएं मिलेंगी। अब उसके बाद ये तो थे हमारे पास अलग अलग ग्रुप जिन्होंने किस प्रकार पार्टिसिपेट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब उसके पास कमियां क्या रही, किस प्रकार हमारा यह आंदोलन डिडंट गेट द डिजायर्ड मोमेंटम, कि जितने उसको मोमेंटम मिलना चाहिए था, जितने लोग उसमें जुड़ने चाहिए, जिस प्रकार का आंदोलन बड़ा बनना चाहिए था वैसा नहीं बन पाया, तो इसकी कुछ सीमाएं रही, उसमें कारण क्या रहे, लिमिटेशंस। फर्स्ट, अनटचेबल्स अछूत। अब इन लोगों ने इस आंदोलन में ज्यादा भूमिका नहीं निभाई। उसका कारण क्या था, उसका कारण क्या था कि इनको शुरू से ही समाज के अंदर देवर कंसिडर्ड दलित अनटचेबल्स, अछूत माना गया, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से थे ये खुद को भी दलित और ओप्रेस्ड डिप्रेस्ड यानी पिछड़ा हुआ दलित मानते थे। अब इनको कभी भी कांग्रेस ने इनकी मांग को नहीं उठाया, क्यों, दे फियर्ड दैट द सनातनीज विल बी एंगर्ड विद द सनातनीज द हाई कास्ट हिंदूज, जो उच्च जाति के हिंदू हमारे से दूर हो जाएंगे और आंदोलन कमजोर हो जाएगा, इसलिए इनकी मांग को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया गया था कांग्रेस के द्वारा। तो इन्होंने ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेशन तब नहीं किया सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में। अब उसके बाद गांधी जी ने एक सेंटेंस का इस्तेमाल किया, वी आर नॉट गोइंग टू गेट द फ्रीडम फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स इफ वी आर नॉट एबल टू इंक्लूड दिस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन अवर मूवमेंट्स, कि इन लोगों का हमारे आंदोलन में शामिल नहीं करेंगे तो अगले 100 साल भी आजादी नहीं मिलेगी हमें। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया, इस समाज को लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो था हमारे पास, डिप्रेस्ड क्लास जो थी, या हमारे पास जो दलित थे, अनटचेबल्स थे, इनके लिए गांधी जी ने फिर क्या किया, इनको सम्मान दिलाने के लिए दे ऑर्गेनाइज डिफरेंट सत्याग्रह, अलग अलग सत्याग्रह किए उन्होंने, फॉर द एंट्री इन द टेम्पल्स एंड पब्लिक प्लेसेस और टू गेट द वाटर फ्रॉम द वेल्स, इनके लिए सत्याग्रह किए कि उनको सामान्य जो बाकी जगह से पानी लेते हैं वहां से ये भी लें, सामान्य जो पब्लिक प्लेस है वहां तक ये भी पहुंच पाए, मंदिरों में इनके प्रवेश के लिए सत्याग्रह चलाए। उसके साथ साथ इनको नाम दिया हरिजन, यानी ये भी भगवान के बच्चे या पुत्र हैं, यानी हरिजन का नाम दिया। अब उसके साथ साथ इन्होंने इवन ही हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट टू डिग्निफाई देयर वर्क, यहां तक कि गांधी जी ने खुद ने टॉयलेट्स वगैरह साफ किए इनके काम को सम्मान दिलाने के लिए। ही अपील्ड टू द हाई कास्ट हिंदूज टू चेंज देयर हर्ट, कि उन्होंने यहां तक कि बाकी जो हिंदू वर्ग था, बड़े वर्ग थे, उनके सामने भी अपील की कि आप अपना हृदय बदले इन लोगों के प्रति और इनको सम्मान दें। इतना सब कुछ करने के बावजूद यानी गांधी जी ने बहुत प्रयास किए नेगोशिएट करने के लिए इन लोगों के साथ, इनको सम्मान दिलाने के लिए सत्याग्रह भी किए, खुद से टॉयलेट वगैरह साफ किए इनके काम को सम्मान दिलाने के लिए, और हाई कास्ट हिंदू को भी अपील की। उसके बाद भी कुछ एक लोग जो थे, हाँ, इस इन्होंने अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए, जो दलित वर्ग से थे इन्होंने अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने शुरू कर दिए। किस लिए, उनका मानना था दे कंसिडर दैट ओनली द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैन इंप्रूव अवर सिचुएशन, जब तक हमें सरकार में भागीदारी नहीं मिलेगी, राजनीतिक तौर पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाकी जगह हमें सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सोर्स है पहले हम वहां तक पहुंचे। इसलिए बहुत सारे संगठन बने, खासकर महाराष्ट्र वाला जो रीजन था उसमें, वहां ये संगठन ज्यादा मजबूत रहे। अब उसी में से एक महत्वपूर्ण संगठन ये डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया, बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने 1930 में एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई, और इसमें भी लास्ट में इनके साथ गया, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1931 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन किया था, उसके साथ साथ भीमराव अम्बेडकर भी थे। वहां देर वॉज ए क्लैश बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अम्बेडकर, दोनों के बीच में क्लैश भी हुआ, टकराव हुआ। उसमें महात्मा गांधी ने जहां विरोध किया था उसी चीज को जब इन्होंने, भीमराव अंबेडकर ने मांगा कि वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हरिजंस, कि हमारे लोअर कास्ट के लिए, दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, एंड द डिमांड वाज कंसीडर्ड, उस डिमांड को मान लिया गया अंग्रेजों के द्वारा, क्यों, वो तो पहले चाहते डिवाइड हो जाए सोसाइटी ताकि आंदोलन कमजोर हो, इनकी मांग को मान लिया गया, भीमराव अंबेडकर की मांग को, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को मान लिया गया। लेकिन जैसे ही वापिस आए गांधी जी, इन्होंने फास्ट एंड टू डेथ आमरण अनशन की, मैं तब तक कुछ ग्रहण नहीं करूंगा अन जल जब तक कि मेरी बात नहीं मान ली जाती है, तो फास्ट एंड टू डेथ इन्होंने फिर वापस, महात्मा गांधी ने एक उपवास रखा। उसमें क्या किया गया कि जब तक मेरी मांग नहीं मान ली जाती है, मांग कौन सी,
कि ये सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं दिया जाए हरिजन को या लोअर कास्ट को। फिर धीरे धीरे इनके बीच में एक समझौता हुआ 1932 में, जिसका नाम दिया गया पूना पैक्ट, पुणे के अंदर हुआ ये। उसमें यह समझौता किया गया कि ठीक है सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं दिया जाए बट रिजर्व सीट टू बी गिवन टू द लोअर कास्ट, की रिजर्व सीट दे दी जाए इन्हें। अब आप लोगों को यह होगा रिजर्व सीट और सेपरेट इलेक्ट्रोड में अंतर क्या था। अब सेपरेट इलेक्ट्रोड में होता क्या है कि जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां केवल वही व्यक्ति उसी जाति का व्यक्ति लड़े, लेकिन वोट भी उसी जाति के लोग डाल पाए, यानी लोअर कास्ट के लोग ही तो वोट डालेंगे और लोअर कास्ट का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। यानी कंफर्म सीट वहीं से यह है कि सभी लोगों ने, केवल उन्हीं के लोगों ने उनको चुन लिया और उनके लिए अलग चुनाव क्षेत्र बना दिया जाए, पूरा चुनाव क्षेत्र उनके लिए अलग कर दिया जाए जहां उन्हीं में से कोई व्यक्ति खड़ा होगा और वही लोग केवल वोट डालेंगे और उसके बाद उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। जबकि रिजर्व में क्या होता है, ऑल आर गोइंग टू वोट, सभी वोट डालेंगे लेकिन रिजर्व कर देगी केवल चुनाव वहीं से लड़ा जाएगा। तो उसमें ये रिजर्वेशन के लिए मान गया, यानी सेपरेट हमारे समाज को बांटा नहीं जाए, सब लोग मिलकर रहें, केवल सीट दे दी गई ठीक आप चुनाव लड़े वहां से। तो उस रिजर्व सीट के ऊपर सहमति बनी, पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्ट्रोड की मांग को छोड़ दिया गया भीमराव अंबेडकर द्वारा और कौन सी रिजर्व सीटें मिल गई इनको। अब ये तो था हमारे यहां अनटचेबल्स। दूसरी हमारे यहां प्रॉब्लम कहां आई, जो मुस्लिम थे उन्होंने भी आंदोलन में ज्यादा अच्छे से भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि जैसे ही हमारे यहां नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ उसके बाद मुस्लिम धीरे धीरे कांग्रेस से अलग होने शुरू हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि 1920 ऑनवर्ड्स, 1920 के बाद कांग्रेस वाज एसोसिएटेड विद हिंदू महासभा, कि कहीं ना कहीं हिंदू महासभा का प्रभाव कांग्रेस के अंदर बढ़ता जा रहा था। हिंदू महासभा एक कट्टर हिंदू संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी वजह से धीरे धीरे मुस्लिम इससे अलग होते चले गए। अब धीरे धीरे उन्होंने प्रयास किया रीनेगोशिएट की, वापस बातचीत की जाए, वापस इकट्ठा होकर आंदोलन चलाया जाए। 1927 में एक बार के लिए लगा भी कि देर माइट बी एनी सोल्यूशन, कि शायद कोई ना कोई समाधान निकलेगा। बातचीत चल रही थी, लग रहा था कि दोनों इकट्ठे वापस हो जाएंगे, यानी कांग्रेस के साथ मुस्लिम आएंगे और आंदोलन चलाया जा सकता है। लेकिन उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, चलो हमें नहीं चाहिए। जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस ने बनाई थी, भीमराव अंबेडकर ने अपनी मांग छोड़ दी थी, वैसे इन्होंने मान ली थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। उन्होंने बोला हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे, लेकिन हमें यह तो गारंटी दी जाए कि जैसे ही हमारे सेंट्रल असेंबली जो भी होगी या स्टेट के अंदर जो असेंबली होगी उसमें कुछ रिजर्व सीट दी जाएंगी और उसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन के अनुसार जो बंगाल है और पंजाब है जिसमें इनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी उनके अंदर उनकी जो पॉपुलेशन उसके अनुसार रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, यानी उनकी संख्या ज्यादा होगी, उन विधानसभाओं की संख्या ज्यादा होगी। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग रखी कि हमारी पॉपुलेशन के अनुसार रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हमारी जनसंख्या अनुसार उन इलाकों में, खासकर जहां हमारी जनसंख्या ज्यादा है। उसके साथ साथ जैसे ही हमारी कोई भी नेशनल असेंबली होगी, जैसे आज पार्लियामेंट है, उसमें भी हमें कुछ रिजर्व सीट दी जाए धर्म के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर, ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। अब जब ये बात चल रही थी नेगोशिएशन, तो 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, सभी पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें हिंदू महासभा भी शामिल थी और हिंदू महासभा के M.R. जयकर ने इसका स्ट्रॉन्गली अपोजिट, पूरी तरह से विरोध किया और द नेगोशिएशन ब्रोक आउट और बातचीत खत्म हो गई। बहुत सारे क्लैशेज हुए हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जब हमारे रिलीजियस जो भी सेरेमनीज है उनके बीच में वायलेंट क्लैशेज उस टाइम पर भी होते, वायलेंस प्रोटेस्ट वर ऑर्गेनाइज, वायलेंस प्रोसेशन वर ऑर्गेनाइज, जैसे जुलूस निकलते उसमें मारपीट होती। तो धीरे धीरे गैप और ज्यादा बढ़ता चला गया और इसमें जो बुद्धिमान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे मुस्लिम, उन्होंने भी बोला कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द रिप्रेजेंटेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया एज ए माइनॉरिटी, कि हम अल्पसंख्यक होंगे तो हमें नहीं पता कि हमारी आगे क्या कुछ जिम्मेवारी होंगी, हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा, इवन अवर कल्चर विल बी डिमोलिश, हो सकता है हमारी संस्कृति को बर्बाद कर दिया जाए और हमारे साथ कैसा व्यवहार हो, तो वी आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट। तो इसलिए यहां मुस्लिमों ने भी इस आंदोलन के अंदर ज्यादा भाग नहीं लिया। तो ये हमारे यहाँ की किस वर्ग ने किस प्रकार भाग लिया था, उसके बाद क्या समस्याएं रही कि आंदोलन ज्यादा बड़ा नहीं बन पाया। तो उसमें हमने देखा ही कि हमारे एक तो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया क्योंकि उनको शुरू से ही कांग्रेस ने, जो हाई कास्ट हिंदू है उनके द्वारा पार्टी ज्यादातर चलाई गई। उसके बाद दूसरा वर्कर क्लास थी, उसका भी हमने देखा जाता है इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे। उसके बाद हमने देखा मुस्लिम है, वो भी अपने भविष्य को लेकर सर्टेन नहीं थे कि हमें आगे किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, हमें कुछ सीट मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, चुनाव लड़ेंगे तो हम जीत पाएंगे कि नहीं, किस प्रकार की व्यवस्था होगी आजाद भारत में। तो मुस्लिमों ने ज्यादा इसमें अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो इस प्रकार हमारे आंदोलन ज्यादा मजबूती से आगे नहीं बढ़ पाए। अब नेक्स्ट क्लास में
हम हमारे यहाँ कल्चरल मूवमेंट के तौर पर पढ़ेंगे, जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी प्रकार कि हाउ वी विजुअलाइज द वर्ल्ड और इंडिया, कि हमने किस प्रकार तो संसार के लिए अलग दृष्टिकोण रखा, किस प्रकार भारत के लिए हमने विजुअलाइज अपने लिए क्या विजुअलाइज किया, किस प्रकार हमने भारत माता की पिक्चर बनाई, किस प्रकार उसको एसोसिएट कर दिया हमारे नेशनल मूवमेंट से, किस प्रकार हमने नए सॉन्ग और जो हमारे यहाँ नए हाइम्स हैं वो कंपोज किए जस्ट टू इंक्रीज द नेशनलिज्म फीलिंग्स, कि हमारे राष्ट्रवाद की भावनाएं और आ गए। If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.